मुरादाबाद मंडल को तीसरी वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। ट्रेन का संचालन 1 सितंबर से होगा। ट्रेन का संचालन हफ्ते में 6 दिन होगा। वंदे भारत ट्रेन मेरठ से सुबह 6:35 पर चलकर 8:35 पर मुरादाबाद पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव मेरठ से चलकर मुरादाबाद, बरेली के बाद लखनऊ रहेगा। ये ट्रेन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मेरठ के बीच चलेगी। ये ट्रेन 459 किलोमीटर का सफर 7:10 में तय करेगी। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि वर्चुअल शुभारंभ के मौके पर जिले के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि मुरादाबाद मंडल को तीसरी वंदे भारत ट्रेन मिली है। जो मुरादाबाद मंडल है और जो हमारे यहाँ ऑलरेडी चलने वाली दो वंदे भारत हैं, देहरादून से एक आनंद विहार के लिए, देहरादून से लखनऊ के बाद, ये तीसरी वंदे भारत है जो मुरादाबाद मंडल को मिली है, जो मेरठ स्टेशन से चालू होके मुरादाबाद और बरेली स्टॉपेज के बाद लखनऊ जाके समाप्त होगी। इसका जो इनॉग्रेशन है वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 31 अगस्त को किया जाएगा और इसकी जो रेगुलर सर्विस है वो चालू होगी 1 तारीख से। तो गाड़ी का जो टाइमिंग है वो मुरादाबाद जो सुबह में जो लखनऊ जाने के लिए सुबह 8:30 है और लखनऊ दोपहर में 1:45 पहुंचेगी और वापस लखनऊ से ये गाड़ी लगभग 3:45 चलेगी और शाम 7:30 मुरादाबाद आएगी। तो लखनऊ और जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और मेरठ जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट शहर है, तो उसको जोड़ने के लिए और मुरादाबाद को दोनों तरफ से सहूलियत देने के लिए बहुत अच्छी ट्रेन सर्विस चालू करी जा रही है। सर, एक सवाल ये है कि वंदे भारत जो ट्रेन चलाई जा रही है, क्या इसका जो किराया है वो जनरली और ट्रेनों के अकॉर्डिंग है या कुछ कम आवीसी होती है? नहीं, जो हमारी अभी वर्तमान में भी जो वंदे भारत चल रही है उसमें चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार है, तो जो उसके जो फेयर है उसी के हिसाब से इसका भी फेयर आएगा। अच्छा, मुरादाबाद जब पहुँचेगी फर्स्ट टाइम ये ट्रेन, तो आपके द्वारा क्या कोई तैयारी की गई है? जो इनॉग्रल रन है जो 31 अगस्त को होगा, तो उसमें जो हमारे शहर के जो गणमान्य जितने भी नागरिक हैं, जिसमें जो हमारे MP मैडम हैं, उनकी MLA साहब हैं, मेयर साहब हैं, इनकी हम लोगों ने उपस्थिति की रिक्वेस्ट करी हुई है और जो शहर के गणमान्य अतिथिगण हैं, मीडिया के हमारे साथी हैं, जन सामान्य के जितने भी नागरिक हैं, इनके लिए हम लोगों ने मुरादाबाद स्टेशन पर ही गाड़ी के आगमन पर थोड़ी समुचित व्यवस्था कराई है और गाड़ी को हरी झंडी दिखा के गाड़ी का स्वागत किया जाएगा और गाड़ी को यहाँ से बरेली के लिए प्रस्थान किया जाएगा। बरेली में भी व्यवस्था की गई है, वहाँ के जो हमारे सांसद महोदय हैं और जितने भी संसदीय क्षेत्र के और रिप्रेजेंटेटिव हैं और जन गणमान्य के जो नागरिक हैं, वो आके बरेली से भी गाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। तो मुरादाबाद और बरेली दोनों पर व्यवस्था की गई है। नहीं, ये पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन लोग इसमें अपना एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, तो हम लोगों ने स्पेशल ट्रेनें चलाने की व्यवस्था करी हुई है। 30 और 31 अगस्त जो इसके आखिरी जो चरण है, इसमें भी मुरादाबाद स्टेशन से 6 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं जो मुरादाबाद के अलावा बरेली, आपके बालामऊ, हरदोई, शाहजहानपुर और बरेली से इधर मुरादाबाद से इधर में लक्सर, सहारनपुर, रुड़की जैसे शहरों को कनेक्ट करेगा। तो हम लोग ने व्यवस्था की हुई है ताकि सामान्य जो हमारे पैसेंजर्स हैं जो ट्रेनों में जा रहे हैं उनको भी और जो अभ्यर्थी आए हैं उनको भी आने जाने की पूरी सुविधा बनी रहे। पब्लिक TV, आपकी आवाज़।